नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सेल्स रिसर्च में। आज है 7 नवंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 6 नवंबर और 7 नवंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे तो उन पर डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की PDF परचेज करना है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेज कर सकते हो। इसकी कॉस्ट जनवरी 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 तक मात्र 69 रुपीज है, सितंबर 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 तक 59 रुपीज है, और जनवरी 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 तक इसकी कॉस्ट 49 रुपीज है। और अगर आप मंथली PDF परचेज करना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट 9 रुपीज रहेगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, मणिपुर में आयोजित 5वीं महिला नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हमारे मध्य प्रदेश बॉक्सिंग एकेडमी की प्लेयर्स अंजलि सिंह और तनिष्का सिरवी ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। हमारे मध्य प्रदेश बॉक्सिंग एकेडमी की नीलम कुशवाहा के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो कांस्य पदक जीता गया है, ठीक है। और यह है नीलम कुशवाहा, यह है अंजलि सिंह और यह है तनिष्का सिरवी। और देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार विक्रम पुरस्कार 2020 से बॉक्सिंग के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया है? अंजू बम्बोरिया को। अंजू बम्बोरिया का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है। क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले की वर्षा डोंगरे मिस डेफ एशिया बनी है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट की है। अभी हाल ही में मिस्टर इंडिया कौन बने हैं? विनीत शर्मा। और विनीत शर्मा का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो अशोक नगर से है। और देखिए, विनीत शर्मा हमारे मध्य प्रदेश से पहले मिस्टर इंडिया बने हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ये भोपाल रेलवे स्टेशन को और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन दोनों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहां पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये पीतमपुर में। पीतमपुर किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में है, मंडीदीप रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, ओरछा टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और ओमकारेश्वर खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। भारत का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? तो ये पीतमपुर को कहा जाता है। हाल में मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद प्रोत्साहन गतिविधियों के अंतर्गत निम्न में से किस जिले को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये देवास, ग्वालियर, सीहोर तीनों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। इस क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राज्य स्तरीय कबीर बुनकर एवं विश्वकर्मा समारोह का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में 4 नवंबर से 10 नवंबर 2022 तक कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन में आयोजित कालिदास समारोह का शुभारंभ किसने किया है? तो ये हमारे राज्य के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगूभाई पटेल हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल है, शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उषा ठाकुर हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति पर्यटन एवं धर्मस्व विभाग की मंत्री है, और मोहन यादव हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है। तो यहाँ पर देखिए, स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है? इंदर सिंह परमार है, और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है? श्री विश्वास कैलाश सारंग है, और तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है? यशोधरा राजे सिंधिया है, और यशोधरा राजे सिंधिया के पास खेल विभाग भी है। कालिदास समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है? ये उज्जैन में किया जाता है। कालिदास संस्कृत एकेडमी भी कहां पर है? तो ये उज्जैन में है, ठीक है। और अभी इस वर्ष 2022 में 4 नवंबर से 10 नवंबर तक कालिदास समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कालिदास समारोह 7 दिन तक आयोजित किया जाता है, और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? ये 1958 से हुई थी। तो ये अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर पुरू धादिज को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर पुरू धादिज को शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। ये सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की, तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी? ये 1981 से की गई थी, और ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से? एक तो शास्त्रीय संगीत, रूपंकर कलाएं, शास्त्रीय नृत्य और रंगकर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करें शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पुरू धादिज को, और इनका संबंध इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। अब बात करें हम यहाँ पर रंगकर्म के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? रंगकर्म के क्षेत्र में ये राजीव वर्मा को, और राजीव वर्मा का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। अब बात करें हम यहाँ पर रूपंकर कलाएं के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? वासुदेव कामत को, और वासुदेव कामत का संबंध पुणे से है।
अब बात करें यहाँ पर शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये बुधादित्य मुखर्जी को, और बुधादित्य मुखर्जी का संबंध कोलकाता से है। तो देखिए शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में पुरुधादिज को, रंगकर्म के क्षेत्र में राजीव वर्मा को, रूपंकर कलाई के क्षेत्र में वासुदेव कामत को, और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में बुधादित्य मुखर्जी को प्रदान किया गया है राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी, 1981 से हुई थी, और इसमें पुरस्कार राशि देखिए 2,00,000 रुपये दी जाती है। लेकिन कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो तानसेन सम्मान है और कालिदास सम्मान है इसकी राशि में वृद्धि कर 5,00,000 रुपये करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, देखिए रंग कर्म के क्षेत्र में भोपाल के राजीव वर्मा, रूपंकर कला के क्षेत्र में पुणे के वासुदेव कामत, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में कोलकाता के बुधादित्य मुखर्जी, और शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उज्जैन इंदौर के डॉक्टर पुरु धादिज को राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। सम्मान स्वरूप सभी को 2,00,000 रुपये, सम्मान पत्र, साल, श्रीफल भेंट की गई है। इस सम्मान की स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी और अब तक देश के कई ख्याति प्राप्त कलाकारों को यह सम्मान दिया जा चुका है। अकादमी के द्वारा महाकवि कालिदास द्वारा संस्कृत में रचित दूत काव्य मेघदूत का भोजपुरी अनुवाद, बद्रा भइल मौरा दूत पत्रिका दुर्वा, और राष्ट्रीय कालिदास चित्र एवं मूर्तिकला आधारित कैटलॉग का विमोचन भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे, तो ये गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली होंगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इरफान अली गुयाना। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो यह हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया जा रहा है। इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो ये 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक किया जाएगा। और ये कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है, तो ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बता दूं, हमारे इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे, मोहम्मद इरफान अली, और ये गुयाना देश के राष्ट्रपति है। पी केपुन के पोहाम्बा ये नामीबिया के राष्ट्रपति है, और नामीबिया से अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के कोनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीते लाए गए हैं। ठीक है, कितने चीते लाए गए हैं, 8 चीते। कब, ये 17 सितंबर को, 17 सितंबर से ही हमारे मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान से प्रोजेक्ट चीता का शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। सिरिल रामफोसा ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति है। हाल ही में घोषणा की गई है कि 12 चीते हमारे मध्य प्रदेश के कोनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में ही साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे। ठीक है, आरिफ अलवी ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, शहबाज शरीफ है। ये गुयाना की बात करें तो गुयाना किस महाद्वीप में आता है, ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है। ये है गुयाना की लोकेशन और ये है गुयाना का फ्लैग। गुयाना की राजधानी क्या है, जॉर्ज टाउन है। यहाँ की मुद्रा क्या है, गुयानीज डॉलर। गुयाना में लगभग 57% ईसाई निवास करते हैं और यहाँ हिंदुओं की संख्या लगभग 28% है और मुस्लिम की 7.2% है। देखिए गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे और यह सम्मेलन अगले वर्ष 8 से 10 जनवरी तक हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य नेटा मैस्करेन हॉस अगले वर्ष 8 जनवरी को युवा प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि होगी। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय क्या है, प्रवासी भारतीय अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय सुधार भारतवंशी। और भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, एनआरआई डे के रूप में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से की गई थी, 2003 से की गई थी। 1915 में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आने की याद में मनाया जाता है। हाल ही में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री सुदर्शन कुमार महाजन का निधन हो गया है। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो सीहोर डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए सीहोर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वरिष्ठ अधिवक्ता और गोवा मुक्ति आंदोलन में सक्रिय सहभागी रहे श्री सुदर्शन कुमार महाजन का निधन हो गया है और इनका संबंध सीहोर डिस्ट्रिक्ट से है। सुने हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सिवनी में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत किस उत्पाद का अवलोकन किया, तो ये सिवनी जंबो सीताफल। सुगंधित जीरा शंकर चावल भी कहाँ का उत्पाद है, तो ये सिवनी डिस्ट्रिक्ट का ही है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जीरा शंकर चावल भी सिवनी डिस्ट्रिक्ट का ही उत्पाद है। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिवनी में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पाद सिवनी जंबो सीताफल का अवलोकन किया। सिवनी जिले में 656 हेक्टेयर क्षेत्र में 6,500 मीट्रिक टन से अधिक सीताफल का उत्पादन होता है
और सीताफल का वजन 600 से 700 ग्राम होने से इसका नाम सिवनी जंबो सीताफल रखा गया है। इसे विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए आजीविका मिशन के महिला स्व सहायता समूह की सहभागिता से सीताफल की पल्प यूनिट प्रारंभ की गई है और FPO का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में IIM इंदौर ने इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए किसके साथ एक MOU साइन किया है? तो ये HAL के साथ, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, HAL। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना जो है वो हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के तौर पर कब की गई थी? ये 1940 में की गई थी। इसके बाद 1964 में इसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कर दिया गया था। आर माधवन इसके चेयरपर्सन है। बात करें यहाँ पर HPCL की, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1974 में की गई थी और इसके अभी चेयरपर्सन कौन है? पुष्प कुमार जोशी है। बात करें हम यहाँ पर इसरो की, अभी देखिए जो MPPSC 2021 का एग्जाम हुआ था इसमें इसरो की फुल फॉर्म पूछी गई थी। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1969 में की गई थी और अभी इसके चेयरपर्सन कौन है? एस सोमनाथ है। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये बेंगलोर में है। बात करें हम यहाँ पर भेल की, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1956 में की गई थी। देखिए MPPSC 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भेल को रत्न कंपनी के रूप में दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो ये 2013 में प्राप्त हुआ था, ठीक है। और भेल के चेयरपर्सन कौन है? तो ये नलिन सिंघल है। IIM इंदौर की स्थापना कब की गई थी? ये 1996 में की गई थी और अभी इसके चेयरपर्सन कौन है? तो ये हिमांशु राय है। हमारे देश का एकमात्र शहर इंदौर ऐसा है जहां पर IIT इंदौर भी है और IIM दोनों इंस्टीट्यूट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना जो है वो हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के तौर पर 1940 में की गई थी। बाद में नाम एरोनॉटिक्स कब पड़ा था? 1964 में पड़ा था। इसका हेडक्वार्टर भी बैंगलोर में है और इसके अभी चेयरपर्सन कौन है? आर माधवन है। IIM इंदौर ने इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है और यह MOU IIM के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मानव संसाधन विभाग के निदेशक आलोक वर्मा ने साइन किया है। इसका उद्देश्य सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कोर्स आयोजित करना, एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग के क्षेत्र में विशेष अध्ययन करने के साथ ही इस क्षेत्र में शोध पत्र और केस स्टडीज तैयार करना है। यह MOU 3 साल के लिए वैध होगा। कल का हमारा क्वेश्चन था, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर। और देखिए ये MPPSC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है। देखिए आजकल सबसे अच्छा आंसर है वो सुरेंद्र और सुयास दोनों के द्वारा किया गया है। तो देखिए इनके द्वारा बताया गया है वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। यह वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की एक क्षेत्रीय सुविधा है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। प्रदेश में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? ये 1860 में की गई थी। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये 24 जुलाई 1975 में की गई थी। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, 2015 में इंदौर में आयोजित 3rd अंतर्राष्ट्रीय धम्म धर्म सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि कौन थे? ये MPPSC 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। श्री रानिल विक्रम सिंघे श्रीलंका, श्री लैम्पो दामचो दोर्जी भूटान, श्री KP शर्मा ओली नेपाल, सुश्री आंग सान सू की म्यांमार। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्विजेस होते हैं जो कि मध्य प्रदेश GK से रिलेटेड होते हैं, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।